Yes, I am fine. Start lesson number six. Good afternoon, Mite. Good afternoon. Open the lijiye page number 62, chapter number 6. मोर अबाउट स्क्रैच ओपन कर लिया सबने चैप्टर. गुड आफ्टरनून मैम, सॉरी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. मैं भी जस्ट अभी अभी तो 12:03 हो रहा है, 12:03 ही हो रहा है. कोई नहीं, इतनी देर में तो हम खुद ही वेट करते हैं बेटा, सब लॉग इन भी करते हैं ना धीरे धीरे. Yes, now start more about that lesson number 6, page number 62. Open कर लीजिए बेटे. कर लिया ओपन? नहीं, आप जो अपलोड करती ना फाइल फिर बेटा वो ओपन नहीं हो पाती है, अभी बाद में ओपन करनी पड़ती है, इसलिए अभी तो आप कुछ मत भेजो क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं देखूंगी. Yes, learning in this chapter features of Scratch, components of Scratch, adding a new sprite, working with two sprites, setting the sprite position, setting the rotation style, changing the pen shade, changing the backdrop of the stage, playing the instrument. अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आप फीचर्स पढ़ोगे स्क्रैच के. कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, स्क्रैच का जो पूरा जैसे स्ट्रक्चर दिया होता है उसके बारे में आप समझोगे. एडिंग अ न्यू स्प्राइट, स्प्राइट क्या होता है जानते हो आप? पता है स्प्राइट क्या होता है? स्क्रैच की बात कर रही हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है हेमेंद्र, बाकी सबको आवाज आ रही है ना? आपके नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है क्या हेमेंद्र? कभी कभार तो बेटा हर किसी का ही रहता है. यस, एक बार बता दो, सबको आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, एक कैट कैरेक्टर, यस, जो इसमें कैट दे रखी है ना वो होती है आपकी स्प्राइट, एक कैरेक्टर होता है. हाँ, थर्ड क्लास में आया था, बिल्कुल सही बात है. सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? जहाँ प्रॉब्लम हो मेरे को बोल देना, ठीक है बेटे? और एक दो को बेटा प्रॉब्लम होती है ना, जैसे पूरी क्लास में सब तो यस मैम बोल रहे हैं और एक दो को प्रॉब्लम होती है, एक दो बच्चे को, तो वो बेटा उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होती है. यहाँ से तो सब ठीक है ना, अगर नहीं आ रही होती तो फिर किसी को भी नहीं आ रही होती है. एडिंग अ न्यू स्प्राइट मतलब आप कैसे स्प्राइट ऐड करोगे? कई सारी स्प्राइट है आपकी, बटरफ्लाई मिलेंगी इसमें, आपको कार मिलेगी, आप एक गर्ल भी ले सकते हो, एक मैन ले सकते हो, वो जो चीज आपको चाहिए वो इस कैरेक्टर में ऐड कर सकते हो. फिर है वर्किंग विद टू स्प्राइट मतलब एक कैट भी हो सकती है आपके साथ, एक दूसरी स्प्राइट भी हो सकती है. सेटिंग द स्प्राइट पोजिशन आप उसकी पोजिशन को सेट कर सकते हो. सेटिंग द रोटेशन स्टाइल उसको रोटेट कर सकते हो. चेंजिंग द पेन शेड आप पेन शेड चेंज कर सकते हो कि पेन शेड कैसा होना चाहिए उसका. चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज जो कैट के, देखो एक बार कैट के जो बैक साइड पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ना, व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो आप व्हाइट बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो. प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट आपको अगर आवाज लगानी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ भी डालना है, किसी की भी आवाज डालनी है, तो आप ड्रम की, गिटार की, जिसकी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, आप कोई सॉन्ग की. यस गुंजन, तो टाइप कर रही हूँ बेटे, फटाफट कर लो फिर स्टार्ट करा. इसमें टाइपिंग आ जाता ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती आप पूछ लिया करो. ओके. ऑल्दो अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन येट इट नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस टू डू एनी टास्क. अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश सो वी हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन इन द टू इन इट इन स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज that it understands.
दिस लैंग्वेज इज नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, हम सब जानते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर को कुछ भी कराने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझ सकता, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई गई है जिससे वो समझ सके। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आराम से समझो, जहां समझ में नहीं आता वहां पूछ लीजिएगा। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपकी स्क्रैच क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो आराम से समझ सकता है। तो स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर द स्टूडेंट टू एनहेंस देयर कंप्यूटर स्किल, इनेबल्स द चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन गेम, एनिमेटेड स्टोरी एंड प्रोजेक्ट। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे स्टूडेंट अपने स्किल्स के द्वारा डिजाइन कर सकते हैं। मतलब आप अपना खुद का गेम बना सकते हो, उसमें कोई स्टोरी बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको जैसे अवेलेबल, जैसे अच्छा लगता है वैसे आप इसको कर सकते हो। स्क्रैच प्रोवाइड ऑब्जेक्ट टू विच वी कैन गिव कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन इन स्क्रैच। दीज ऑब्जेक्ट आर नोन एज स्प्राइट। स्क्रैच जो है आपको कमांड देकर के आप स्क्रैच को अलग अलग डिफरेंट एक्शन करवा सकते हैं। जैसे किसी का हैंड्स आपको ऊपर कराना है या योगा स्टाइल में देना है। देखा होगा आपने, इसमें स्प्राइट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलेगी, कई योगा के इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, कई खेलते हुए मिलेंगी। जैसा आप अपना कोई इससे गेम भी बना सकते हो आप, जो आपको जैसी आपको स्प्राइट पसंद आती है वैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें कई सारी लाइब्रेरी में आपको कई फ्रूट्स मिल जाएंगे, बॉल वगैरह कुछ भी जो आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा। Features of Scratch. Scratch is available free of cost. It is easy to understand and learn. Scratch free of cost available है। इसे आप अच्छे से समझ भी सकते हो और इसे लर्न भी कर सकते हो। करा था ना आपको थर्ड क्लास में, मजा आ रहा था ना, अलग अलग स्प्राइट यूज करी थी उस चैप्टर, उस जो आपकी जो थर्ड क्लास होगी उसमें तो ज्यादा यूज नहीं किया होगा, लेकिन इसमें फोर्थ क्लास में और ज्यादा आपका इसका यूज आया स्क्रैच का। It increases student interest in programming by providing graphical environment instead of writing text or code. Predefined blocks are snapped together to create the script. इसे स्टूडेंट को करने में इंटरेस्ट भी आता है और आप इसमें लिख भी सकते हो और कोड भी डाल सकते हो। कोड डालना होता है इसमें, जैसे आपको रोटेट करने के लिए भी, लेफ्ट साइड रोटेट करने के लिए भी इसमें एक नंबर्स डालने पड़ते हैं। इट अलाउ प्लेफुल एक्सपेरिमेंट विद प्रोग्राम सेगमेंट। ये एक प्लेफुल आपका एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप कुछ भी करोगे ना, अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको मजे से इंटरेस्टिंग वे में लगेगा। ये स्टेज नंबर 62 समझ में आ गया। नीजा ने करा है, नीजा वेरी गुड बेटे, अगर कर रखा है तो। यस अब आ जाओ पेज नंबर 63। यस थर्ड क्लास में कराया था, और जिस बच्चे ने नहीं करा तो क्लास फोर्थ में कर लेंगे। यस लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्क्रैच विंडो। स्क्रैच की विंडो में आपका देख लूं क्या क्या है, कंपोनेंट समझ लेते हैं आज अच्छे से। यस कुछ टाइप कर रहे हो फटाफट से कर लो। यस जब तक गुंजन टाइप कर रही है तब तक हम समझ लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के बारे में। तो फिर बेटा हाँ सबने ही करा होगा थर्ड क्लास में तो ना, थर्ड क्लास में आया था ना आपका स्क्रैच। यस
लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द स्क्रैच विंडो। अब आप स्क्रैच की विंडो में देखते रहिएगा, फिर आपको पढ़ाते जाते। सबसे पहले आया स्प्राइट। स्प्राइट आर द ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म वेरियस एक्शन इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोवाइड द नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट। बाय डिफॉल्ट द कैट स्प्राइट इज सेलेक्टेड डिस्प्ले इन द मिडल ऑफ द एज। स्प्राइट क्या है आपके स्क्रैच प्रोजेक्ट में, ये ऑलरेडी जो, अब जैसे ही आप स्क्रैच ओपन करोगे आपको कौन सी स्प्राइट दिखाई देगी, कैट। तो कैट अगर इनबिल्ट स्प्राइट है, मतलब आप जैसे ही ओपन करोगे ना स्प्राइट को, तो आपको कैट की स्प्राइट दिखाई देगी, वो भी किसके मिडल स्टेज के मिडल में आपको दिखाई देगी। वो फिर आपको बाद में चेंज करनी है तो आप फिर वो कर सकते हो। स्टेज, इट इज द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शन। स्टेज इज द प्लेस वेयर स्प्राइट मूव्स एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। इट इज डिवाइडेड इनटू एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स 121 वाई माइनस 111 विच शो द पोजिशन ऑफ द माउस। The values of both the coordinates are displayed at the bottom right corner of the stage. Stage दिखाई दे रहा है, वो आप अपने तरीके से बड़ा भी कर सकते हो, उसे घटा बड़ा जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। दिख रहा है ना सबको स्टेज? दिखाई दे रहा है स्टेज स्प्राइट के जस्ट पीछे। उस स्टेज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपको? जब बेटा उसमें देखोगे उसमें तभी तो दिखाई देगा। यश के तो वैसे भी बीच में कुछ समझता तो है नहीं, फालतू की आदत है इसकी बीच में बात करने की। नेक्स्ट है आपका, सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो यश के पास बुक भी है नहीं है सर, खाली ओके दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्राइट लिस्ट। इट डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल द स्प्राइट दैट वी हैव सिलेक्टेड बिलो द स्टेज। अब आपको स्प्राइट लिस्ट दिख रही है, देखो जहाँ पे कैट बनी हुई है वो तो कैट छोड़ दो, जो नीचे वाली कैट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहा है छोटी सी दिख रही है थंबनेल जैसी, मतलब आप यहाँ पे जितनी भी स्प्राइट लिस्ट में स्प्राइट जितनी सेलेक्ट करोगे, चाहे आप एक सेलेक्ट करो, दो, तीन, चार, पांच, जितनी आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर जितनी भी आपको स्प्राइट दिखाई देगी वो कहाँ पे दिखाई देगी? स्प्राइट लिस्ट में। ठीक है, ब्लॉक पैलेटी। ब्लॉक पैलेटी कंटेन्स वेरियस प्री डिफाइंड ब्लॉक दैट आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब ब्लॉक पैलेटी क्या होता है? ब्लॉक पैलेटी में आप जितना भी टास्क लिख रहे हो, जितने के भी बारे में आप लिखते जा रहे हो, मतलब जैसे भी आप स्प्राइट को आगे बढ़ा रहे हो या पीछे ले जा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, दिख रहा है ना सबको? हाँ, अब बेटा यहीं से देखते जाओ, अगर आपका जैसे अवेलेबल होता ना तो वो डायरेक्टली समझा देते बेटा प्रैक्टिकल में। यहाँ पे जितना भी आप लिख रहे हो ना सब आपको दिखाई देगा। स्क्रिप्ट एरिया, द कलेक्शन ऑफ द स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ स्क्राइब इज नोन एज द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेयर वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉक टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट एरिया में आ जाओ। स्क्रिप्ट एरिया दिख रहा है सबको? सिर्फ ब्लैंक है अभी तो, यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ब्लैंक? ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। ब्लैंक स्क्रीन क्यों दिख रही है? यहां से आप ड्रैग करके, मतलब जो आपकी ब्लॉक पैलेटी दिख रही है ना ब्लू कलर के सारे, उससे आप ड्रैग एंड मूव करके, ड्रैग करके फटाफट से जो आपको चाहिए ना इसमें से ब्लॉक पैलेटी में, हाँ इसमें स्क्रैच 2 का बताया, सही है बिल्कुल यही है बेटा। हर किसी के न्यू न्यू वर्जन आते हैं, लेकिन अभी बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। इसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, अच्छा है,
अच्छी बात है, लेटेस्ट वर्जन में आपको पुराना भी दिख जाएगा। अब आपका ब्लॉक क्वालिटी में जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ब्लू कलर की, ये दो तरीके के होंगे स्क्रैच भी, जरूरी नहीं कि आपको यही मिले। तो आप ब्लॉक्स क्वालिटी में जो भी आपको ब्लू कलर का चाहिए ना, वो ड्रैग करके आप किस पे ले जाओगे, स्क्रिप्ट एरिया में, जो आपको इच्छा करता है, मूव कराने की, उसको रोटेट कराने की, आगे बढ़ाने की, उसको पीछे ले जाने की, उसका साइज छोटा करने की, जो आपको चाहिए वो आप उस तरफ ले जा सकते हो, ब्लॉक क्वालिटी की तरफ। कुछ लिख रहे हो मोहित? लिखो बेटा। नीचे आपके स्क्रेच 2 के ऊपर, जैसे इस पे तो स्क्रेच 2 है, तो आपके उसमें क्या लिखा हुआ था जरा मुझे बताना, लेटेस्ट वर्जन में क्या लिखा हुआ था? चलो जितना नीचे टाइप करें तब तक आगे। हाँ इन्फो पर क्लिक ऑन द आइकन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्लाइड थंबनेल टू डिस्प्ले द स्लाइड इन्फो पैन। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड स्लाइड एज वेल एज टू टूल्स। तो मेरा कॉल आ रहा है, फ्यू टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग द स्लाइड टूल्स इंक्लूड। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बेटा, आपकी स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, दिखाई दे रहा है? मैम मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक कैमरा। किसमें ब्लैक कैमरा दिख रहा है? मैं नहीं दिखाई दे रही आपको? कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है बेटे, आपकी खुद की स्क्रीन में? सब दिख रहा है तो फिर एक बार बेटा, एक बार मोहित आप एक बार टैब क्लोज करके बेटा दोबारा आ जाओ जरा। और यश यहाँ बातें करने के लिए नहीं, आप हो जाओ क्लास से बाहर चले जाओ बेटा। अगर आपको हेमेंद्र से बातें करनी है ना, तो आप उससे बातें कर लो, अदरवाइज मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन कर दूंगी। यश आप बाहर चले जाओ, बिल्कुल क्लास से बाहर चले जाओ आप। आपको नहीं पढ़ना तो दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। आपका रोज का ही है, वो भी एक टीचर की क्लास में नहीं, हर किसी टीचर के साथ है। मोहित अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा बेटा, तो टैब क्लोज करो अपना, दोबारा से लॉग इन कर लो, एक बार करो। टैब क्लोज करके दोबारा आ जाएगा वो। और जिसको ये फालतू की बातें करनी होती है, वो क्लास अटेंड ही मत किया करो। और जैसे ही यश करे ना बेटा, कोई टीचर बात नहीं कर, कोई टीचर इसको पता नहीं चलता है, तो आप लिख दिया करो, क्योंकि मैंने बहुत में इसकी चैट पढ़ रखी है यश। ठीक है बेटा, एक बार मोहित आप टैब क्लोज करके वापस से आ जाओ, फिर पढ़ा लेते हैं। स्प्राइट इन्फो पैन,
Click on the eye icon present on the top left corner of a site thumbnail to display the site info page. It includes information about the selected site as well as few tools for manipulating the site. The tools include. अब आपका इसमें क्या आ जाता है, स्प्राइट इन्फो पैन में सर्कुलर एरर आता है, आपका लाइनर एरो आता है, डिसेबल रोटेशन आता है। एक बार देख लेते हैं, मोहित अगेन आ गया क्या? मोहित अब दिखाई दे रहा है बेटा? आपको याद नहीं है ना नीरजा? मैंने तो बेटा स्क्रीनशॉट ले रखा है, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं यश की चैट के। यस, सर्कुलर एरो। द सर्कुलर एरो इनेबल्स फुल रोटेशन। मोहित अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप टाइप करो बेटा, तभी आगे पढ़ा है। सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? यस, सर्कुलर एरो। द सर्कुलर एरो इनेबल्स फुल रोटेशन ऑफ अ स्प्राइट। सर्कुलर रोटेशन भी क्या होता है, आप रोटेट कर दो पूरा, जो आपकी कैट स्प्राइट दिख रही है ना उसको पूरा ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी आपको करना है वो पूरा रोटेट कर दो। लाइनर एरो में आपको क्या करेगा, खाली फेस फेस होगा लेफ्ट और राइट, वो उसकी बॉडी नहीं होगी, लेफ्ट। और डिसेबल रोटेशन, इट डिसेबल रोटेशन द स्प्राइट विल रिमेन फेसिंग 90 डिग्रीज नो मैटर व्हाट। सिर्फ जो आपकी स्प्राइट है वो फेस करेगी 90 डिग्रीज, उसको कहीं कोई डिसेबल रोटेशन हो जाएगा, टिक नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं बेटा आपके उसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो पता नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? स्प्राइट समझ में आ गया, स्पेस समझ में आ गया, स्प्राइट लिस्ट समझ में आ गई, ब्लॉक पैलेटी, स्क्रिप्ट एरिया, स्प्राइट इन्फो पैन, इतना समझ में आ गया। अच्छे से इसको भी रिवाइज कर लेना, जहां प्रॉब्लम होती है वहां पूछ लेना। फिर जब आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी ना तब एक्स वाई कोऑर्डिनेट से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कुछ पूछना तो नहीं है आपको इसमें? मोर अबाउट स्क्रैच में, मोर अबाउट स्क्रैच में अभी कॉम्पोनेंट आपके पूरे नहीं हुए, कंपोनेंट्स आपके पूरे दूसरी क्लास जब आएगी ना तब पढ़ाएंगे। नीचे ये मोहित, इससे पहले वाली मैम दिखाई दे रही थी, अच्छा अब दिखाई दे गया। ठीक है बेटा, एक बार आप खुद भी टैब क्लोज करके वापस से आ जाया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, सब टाइप कर दो अगर आपको समझ में आ गया तो। मोर अबाउट स्क्रैच का सिर्फ फीचर्स ऑफ स्क्रैच कर लेना, आज रीड दूंगी, आज रीड चैप्टर करने के लिए फीचर्स ऑफ स्क्रैच एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच। ठीक है, कर लोगे रीड? ठीक है बेटा, अच्छे से रीड कर लेना, जहां प्रॉब्लम नहीं, जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन कर लेना, और नेक्स्ट क्लास जब आएगी ना तब आप टाइप करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कर लोगे? यस, ओके बेटा, सब रीड कर लेना अच्छे से। हाँ बेटा, मैंने देख लिया था कि रितिका आपका नेम गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी ऐसे करते हैं, अभी तो टाइम है,